नमस्कार दोस्तों, आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में देखेंगे कि अब तक नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कितना डेवलपमेंट हुआ है और आज के डेट में कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको यह जरूर मालूम पड़ेगा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है या फिर नहीं हो रही। ऐसे में वीडियो को जरूर देखना, पूरा देखना, एंड तक देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी तरह का क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जरूर पूछें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तकरीबन 1500 से ज्यादा छोटे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम हो रहे हैं। बहुत सारे तो बनकर तैयार हो गए, वहीं बहुत सारे अंडर कंस्ट्रक्शन है जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एयर कनेक्टिविटी की। अगर एयर कनेक्टिविटी की बात करूं तो 2014 के बाद 28 एयर एविएशन प्रोजेक्ट्स बनकर तैयार हो गए जिसका कॉस्ट तकरीबन 1000 करोड़ थी। वहीं आज के डेट में तकरीबन 15 एयर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है जिसका कॉस्ट 2000 करोड़ है। इस 2000 करोड़ के तहत अगरतला का एयरपोर्ट को इंटरनेशनल के तर्ज पर विकसित किया जाना है। होलोंगी एयरपोर्ट को आज के डेट में ग्रीनफील्ड के तहत विकसित हो रही है। वहीं गुवाहाटी और इम्फाल एयरपोर्ट को विकसित करके वर्ल्ड क्लास के रूप में विकसित कर रही। इसके अलावा रूपसी एयरपोर्ट जो कि असम में सिचुएटेड है, इसको भी एक बहुत ही शानदार तरीके से रीडेवलप कर रही है। अगर एक रिपोर्ट की बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में 2014 से पहले 9 एयरपोर्ट थे जो आज की डेट में 15 ऑपरेशनल एयरपोर्ट है। वहीं अगर मैं वाटर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की बात करूं तो नेशनल वाटर वे 2 और नेशनल वाटर वे 16 पर आज के डेट में काफ़ी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं जो अनुमान है कि 2025 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे ना सिर्फ वाटर कनेक्टिविटी अच्छी होगी बल्कि हमारे देश में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी काफ़ी तेजी आएगी, फ्रेट मूवमेंट में भी काफ़ी आसानी और सीप पड़ेगा। इसके अलावा इसी वाटर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत कालंदर मल्टी मॉडल ट्रांजिट को बनाया जा रहा है जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन को कोलकाता के हल्दिया पोर्ट को कनेक्ट करेगी। इसके अलावा सिल्टवे पोर्ट और कई तरह के छोटे बड़े पोर्ट्स पर आज के डेट में रिनोवेशन का काम हो रहा है, जिससे आने वाले समय में वाटर कनेक्टिविटी के साथ साथ फ्रेट मूवमेंट में भी काफ़ी तेजी होगी। वहीं रोड कनेक्टिविटी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो 2014 के बाद 3000 किलोमीटर की सड़क आज के डेट में पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है जिसका कॉस्ट तकरीबन 16000 करोड़ थी। वहीं फिलहाल 4000 किलोमीटर की सड़क परियोजना पर आज के डेट में नॉर्थ ईस्ट रीजन में काम चल रहा है, जिसमें ब्रह्मपुत्र कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, ईस्ट वेस्ट एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट, ढोला सादिया ब्रिज प्रोजेक्ट और इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्रायंगुलर सड़क परियोजना पर आज के डेट में काफ़ी तेजी से काम हो रहा है। और ये सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में से एक है जिससे ना सिर्फ कनेक्टिविटी अच्छी होगी बल्कि रोजगार के कई सारे अवसर खुलेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा और सबसे इम्पोर्टेंट कई सारे लोगों को यहाँ पे रोजगार के अवसर मिलेंगे और नॉर्थ ईस्ट रीजन कहीं ना कहीं टूरिज्म में बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए ये सभी प्रोजेक्ट जो कि रोड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत बना रही है, वो कहीं ना कहीं ये सारे प्रोजेक्ट बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट में से एक है जो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट करने में और इंटरनेशनल बॉर्डर्स को भी कनेक्ट करने में मदद करेगी। वहीं अगर मैं रेल कनेक्टिविटी की बात करूं तो 2014 के बाद 20 प्रोजेक्ट पर आज के डेट में 80,000 करोड़ की लागत से इन्वेस्टमेंट कर कम्प्लीट भी कर चुकी है, जिनमें से 900 किलोमीटर का रेल गेज लाइन आज की डेट में पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। वहीं तकरीबन 30,000 करोड़ की रेल प्रोजेक्ट आज की डेट में प्लान किए गए या फिर एग्जीक्यूट किए जाने, जिनमें से ईस्ट वेस्ट डीएफसी कॉरिडोर है, असम का बोगीबील रेल ब्रिज है जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेल ब्रिज में से एक है। इसके अलावा आज नॉर्थ ईस्ट रीजन में ट्राइबल फ्रीडम फाइटर पार्क जो कि आसाम में बनाया जा रहा है, इसके अलावा इंडिया का फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, हाइड्रो पावर प्लांट, फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट जो कि मणिपाल में बनाया गया है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे स्मार्ट सिटी परियोजना भी है और साथ ही साथ इसके तहत टाउनशिप का भी प्रोजेक्ट है जो आज के डेट में नॉर्थ ईस्ट रीजन में काफ़ी तेजी से विकास के काम हो रहे हैं। इसके अलावा पटना गुवाहाटी बुलेट ट्रेन को भी प्लान किया गया है और साथ ही साथ गुवाहाटी ट्रेड टावर को भी प्लान किया गया है। ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में से एक है जो कहीं ना कहीं देश में इन्वेस्टमेंट लाएगा, कहीं ना कहीं देश की इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी होगी। और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट टूरिज्म सेक्टर में बहुत सारे इनिशिएट लिए गए ताकि नॉर्थ ईस्ट रीजन में टूरिज्म में बढ़ावा मिले। ऐसे में अगर इसी रफ्तार में नॉर्थ ईस्ट रीजन में काम होता रहा तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट रीजन एक टूरिज्म हब के रूप में निकल कर आएगा। ऐसे में देखना होगा कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो आज के डेट में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं वो कब तक बनकर तैयार होते हैं, कितने लोगों को रोजगार मिलता है और आने वाले समय में कितना कुछ बदलता है। फिलहाल ये छोटा सा वीडियो जो कि मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी मेहनत करके बनाया, काफ़ी रिसर्च करके बनाया है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।